नमस्कार, द नगरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं प्रियंका। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपना 81वां जन्मदिन मना रहे हैं। कोई उनको डॉन कहता है तो कोई उनको शहंशाह कहता है। ऐसे तो काफी किस्से हैं जो उनके इतने लंबे करियर में आज भी याद किए जाते हैं, पर आपको आज ऐसा किस्सा सुनाते हैं जो शायद ही कोई जानता हो। 11 अक्टूबर 1942 के दिन इलाहाबाद में जन्मे अमिताभ बच्चन ने साल 1969 के दौरान फिल्म सात हिंदुस्तानी से बॉलीवुड डेब्यू किया था। ख्वाजा अहमद अब्बास के निर्देशन में बनी ये फिल्म एक महिला क्रांतिकारी के नजरिए से आगे बढ़ती है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने बिहार के मुस्लिम युवक अनवर अली का किरदार निभाया था। इसी किरदार के चक्कर में वो 7 दिन तक बिना नहाए रहे। जानकारों की माने तो इस फिल्म का बजट काफी कम था। ऐसे में मशहूर मेकअप आर्टिस्ट पंधारी जुकर बिना फीस लिए ही काम करने के लिए तैयार हो गए। हालांकि वे काफी ज्यादा व्यस्त रहते थे। इस फिल्म की शूटिंग गोवा में हो रही थी। मेकअप आर्टिस्ट जुकर ने बिग बी से कहा था कि मेरे पास शूटिंग से 1 हफ्ते पहले का समय है, तो मैं आपकी दाढ़ी 1 हफ्ते पहले लगाकर चला जाऊंगा। आपको बता दें, उन दिनों मेकअप का काम उतना डेवलप नहीं था। उस दौरान एक एक बाल जोड़कर दाढ़ी बनाई जाती थी। ऐसे में दाढ़ी को 7 दिन तक बचाना काफी मुश्किल भरा काम था। मेकअप आर्टिस्ट पंधारी जुकर ने अमिताभ बच्चन से पूछा कि क्या तुम ये काम करोगे। ऐसे में बिग बी ने जवाब दिया कि मैं इस मेकअप को संभाल कर रखूंगा। उस दौरान तो हर कोई अमिताभ बच्चन की बात सुनकर हैरान रह गया, लेकिन उन्होंने 7 दिन तक मेकअप बचाए रखा और शूटिंग भी पूरी कर ली। दरअसल उन 7 दिन तक अमिताभ बच्चन ठीक से नहीं नहाए। वे सिर्फ चेहरे के नीचे के हिस्से पर पानी डाल लेते थे और लुक बचाने के लिए उन्होंने 7 दिन तक अपने मुंह को नहीं धोया। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान पंधारी ने कहा था कि अमिताभ की आवाज जरूर शानदार थी, लेकिन उन्हें देखकर मुझे उस वक्त तो कतई नहीं लगता था कि ये दुबला पतला और लंबा इंसान कभी सुपरस्टार बन पाएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।